हेलो बच्चों, इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में। वेरिएबल क्या होता है दोस्तों? अगर आप मैथ करते हैं और अगर आप लिखते हैं एक्स इक्वल टू 5, वाई इक्वल टू 3, तो आप लोगों को पता होगा एक्स का वैल्यू जो होता है वो एक्स वाई जो हम लोग ले रहे हैं उसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। और उसके आगे में जैसे एक्स इक्वल टू 5 लिख देते हैं तो क्या होता है, एक्स का वैल्यू क्या हो जाता है, 5 हो जाता है। अगर हम लोग एक्स के आगे 6 लिख देंगे तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाता है, वो आपका 7 हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग एक्स को वेरिएबल बोलते हैं क्योंकि उसका वैल्यू जो होता है वो चेंज हो सकता है। बट जो हम लोगों ने 5 लिखा, 6 लिखा, ये क्या टर्म है, ये कांस्टेंट है। अगर हम लोग नंबर यूज़ कर रहे हैं तो वो कांस्टेंट है, और अगर हम लोग अल्फ़ावेट यूज़ करते हैं प्रोग्राम में एक्स वाई जेड समथिंग, तो उसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। और प्रोग्रामिंग में वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल एक ऐसा मतलब मेमोरी हम लोग को देता है जिसमें हम लोग कोई भी वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। एक मेमोरी एलोकेट होता है हमारे लिए, जहाँ पे हम लोग प्रोग्राम लिखते समय उसके अंदर में कुछ वैल्यू को स्टोर करवाते हैं और फिर उस वैल्यू में कुछ भी ऑपरेशन हम लोग करवाते हैं, चाहे प्लस करवाना हुआ, एडिशन करवाना हुआ, या फिर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाना हुआ तो हम लोग परफॉर्म करवा सकते हैं। तो उसको दोबारा कॉल करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उसको कैसे कॉल करेंगे, हम लोग वेरिएबल का जो नाम दिए रहते हैं ना, उस नाम से उसको हम लोग कॉल करते हैं। चलिए मैं एक छोटा सा प्रोग्राम दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे CLS मैंने लिखा है, यहाँ पे CLS, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे सपोज हम लिखते हैं a इक्वल टू 5। तो यहाँ पे a क्या हो गया, एक वेरिएबल हो गया, और 5 क्या हो गया, उसका वैल्यू हो गया। उसी प्रकार से मैं यहाँ पे b लिखता हूँ इक्वल टू, यहाँ पे मैं 4 लिख देता हूँ, तो b क्या हो गया, दूसरा वेरिएबल है b, और इसका वैल्यू हो गया 4। और मैं यहाँ पे और एक वेरिएबल लेता हूँ c नाम का, और इसके अंदर में मैं बोलता हूँ a प्लस बी, उसके बाद फिर इंटर मारते हैं, और लास्ट में मैं यहाँ पे क्या करूँगा, प्रिंट c लिखूँगा। उसके बाद इस प्रोग्राम को हम लोग एंड कर देते हैं और F5 दबाएंगे कीबोर्ड से। तो देखिए कितना प्रिंट कर रहा है, 9। ये 9 क्यों प्रिंट किया, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम लोगों ने a में कौन सा वैल्यू स्टोर करवाया, 5, और b में कौन सा वैल्यू स्टोर किया, 4। और जब दोबारा ये वैल्यूज़ के ऊपर में ऑपरेशन हम लोग को परफॉर्म करवाना था, प्लस ऑपरेशन, तो हम लोग क्या किए, इसका जो नाम था a वैल्यू में जो क्या वैल्यू, a वेरिएबल का नाम क्या था, a, तो हम लोग यहाँ पे a लिखे, और यहाँ पे क्या नाम था, b, तो हम लोगों ने यहाँ पे b लिखा, और हम लोगों ने इसको सी नाम का जो वेरिएबल था उसमें हम लोगों ने असाइन करवा दिया। दैट मीन्स ए प्लस बी का वैल्यू ऐड हुआ, और वो वैल्यू कहाँ पे जाके स्टोर हो गया, सी नाम का वेरिएबल में स्टोर हो गया। इसी कारणवश जब हम लोग प्रिंट सी लिखे तो उसका वैल्यू कितना दिखाया, 9 दिखाया, ठीक है। उसी प्रकार से ये जो प्रोग्रामिंग होता है इसको हम लोग करने के लिए क्या करते हैं, और एक कमांड यूज़ करते हैं, लेट। दैट मीन्स यहाँ पे ए का जगह में हम लोग क्या लिख सकते थे, लेट ए। लेट स्टेटमेंट का यूज होता है वेरिएबल में वैल्यू असाइन करने के लिए, वेरिएबल में वैल्यू असाइन करने के लिए। इस प्रकार से हम लोग लेट ए इक्वल टू बी लिखते हैं, लेट बी इक्वल टू, सॉरी, लेट ए इक्वल टू 5, लेट बी इक्वल टू 5, उसके बाद में आप सी इक्वल टू ए प्लस बी लिखिए और फिर प्रिंट सी करवाइए, तब भी देखिए सेम रिजल्ट आएगा। देखिए यहाँ पे आ रहा है 9। अच्छा, और एक चीज, अगर आप ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं जहाँ पे आप चाहते हैं कि दोबारा उस वैल्यू को चेंज नहीं करना हो, चेंज नहीं करना हो का मतलब मैं बता देता हूँ। देखिए वेरिएबल में क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा a इक्वल टू b, और इसका नेक्स्ट लाइन में मैं अगर यहाँ पे लिख देता हूँ लेट a इक्वल टू 10, ठीक है, लेट a इक्वल टू, यहाँ पे मैंने लिख दिया 10, और उसके बाद में अगर मैं अभी इसको F5 दबा के रन करूँगा तो देखिए कितना आ रहा, 14, जबकि हम लोगों ने यहाँ पे क्या वैल्यू दिया था, 5 वैल्यू दिया था, ठीक है ना। बट ये कौन सा वैल्यू ले रहा है, सेकेंड लाइन वाला वैल्यू ले रहा है, क्यों, क्योंकि देखिए वेरिएबल में क्या होता है ना, वैल्यू जो हम लोग एक के बाद में दूसरा वैल्यू देंगे तो वो वैल्यू इंस्टॉल हो, आपका इंसलाइज हो जाता है, ये मतलब स्टोर हो जाता है, ठीक है, और पहला जो वैल्यू रहता है वो वहाँ से हट जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे ए का वैल्यू पूरा फिक्स रहे, कांस्टेंट रहे, तो फिर यहाँ पे आपको CONST कांस्टेंट कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद में फिर अगर मैं यहाँ पे ए लिखूँगा और इक्वल टू 5 लिखूँगा, तो अब देखिए F5 मारेंगे तो क्या दिखाएगा, एरर दिखाएगा।
अब ये वैल्यू नहीं लेगा। दैट मीन्स जब हम लोग CONST कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं और उसके बाद में कोई वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, तब ये क्या कर देता है कि इसका वैल्यू को ये चेंज नहीं होने देगा, ठीक है ना। दोबारा इस वैल्यू को अगर हम लोग कहीं पे भी चेंज करवाएंगे ना, तो ये चेंज करने नहीं देगा। ठीक है बच्चों, आज का प्रोग्राम में हम लोगों ने देखा कि CONST कॉन्स्ट का यूज़ क्यों किया जाता है, लेट स्टेटमेंट का यूज़ करके हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और उसमें वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं, और फिर वेरिएबल्स में कोई भी ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं। मैंने यहाँ प्लस का ऑपरेशन परफॉर्म किया था, आप इनटू, डिवाइड या फिर माइनस का ऑपरेशन परफॉर्म करवा के देखिए, और फिर प्रिंट करवाने के लिए हम लोग जो भी प्रिंट रहेगा वो लिखेंगे, और जिस वेरिएबल को प्रिंट करवाना है उस वेरिएबल का आप यहाँ पे नाम दे दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे वेरिएबल के ही बारे में बात करेंगे, मगर अगर कोई वैल्यू स्ट्रिंग होता है तो उसके लिए हम लोग किस प्रकार से वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं ये देखेंगे। ठीक है बच्चों, ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो आप लोगों को तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।